दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई है, आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है या फिर आप एक स्टूडेंट है, तो आप सभी को पता होगा कि अग्निपथ स्कीम के तहत एयरफोर्स अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके रजिस्ट्रेशन 24 जून से लाइव हो चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स अग्निवीर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अग्निपथ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूज़र का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप न्यू यूजर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पे आपको अपने फुल नेम को फिल कर देना है, जैसा आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। उसके बाद यहां पे आपको अपने फादर नेम को फिल करना है। उसके बाद यहां पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी को फिल कर देना है। उसके बाद यहां पे आपको अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहां से आपको इंडियन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पे आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पे आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ये आपसे कंफर्मेशन लेगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और उस ओटीपी को यहां पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहां पे फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो ये आपसे कंफर्मेशन लेगा और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर हमारा लॉगिन पासवर्ड भेज दिया गया है और हमारी ईमेल आईडी ही हमारी लॉगिन आईडी है। तो सिंपली आपको यहां से ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी को टाइप कर देना है। यहां पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा गया है। यहां पर आपको एक कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको अपने लिए एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है और आपका पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए और उसके अंदर अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। न्यू पासवर्ड एंटर करने के बाद यहां पर आपको फिर से यही पासवर्ड को रिपीट कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। यहां पर आपको अपना नया पासवर्ड एंटर कर देना है जो आपने हाल ही में बनाया है। उसके बाद यहां पर आपको एक कैप्चा को फिल कर देना है। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, यहां पे हमें पहला ऑप्शन मिलता है इंट्रोडक्शन का, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप्स पे क्लिक कर देना है। तो इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे हमारा जो अगला ऑप्शन है फिल एप्लीकेशन फॉर्म का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डिस्क्लेमर आ जाएगा, इसकी टर्म्स को आपको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है और ये जो फॉर्म है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है और आपको अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से फिल करना है। जो भी 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम है वही यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर नेम को फिल करना है, जो भी आपका फादर का नेम है, जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वही यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि आपकी फाइल का साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, नेशनलिटी और मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलता है, तो इनको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट फिल हो जाते हैं। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने आईएएफ में सेवा दी है। अगर आपने आईएएफ में सेवा दी है तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल सिविलियन है तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिविलियन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में ऑटोमेटिक अनमैरिड को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको कैलेंडर का आइकन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो सेव हो चुकी है, तो सिंपली आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है, तो यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन को टिक कर लेना है। अगर आपने इंटर पास की हुई है तो आपको इस ऑप्शन को टिक कर लेना है। अगर आपने इंटर के साथ कोई अदर डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने इंटरमीडिएट में 50% अंक हासिल किए हैं। अगर आपने 50% अंक हासिल किए हैं तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर आपके इंटर में 50% से कम मार्क्स है तो दोस्तों आप इस वैकेंसी का लाभ नहीं ले पाओगे, आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो नीचे काफी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब नीचे
नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या इंटरमीडिएट में आपके पास में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट थे, क्या आपने इंटरमीडिएट को फिजिक्स और मैथ से पास किया है। अगर आपने पास किया है तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है अगर आपके पास में इंटर में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट थे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने इंटर को पास किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी इंटर की परसेंटेज को फिल करना है, जो भी आपके इंटर में परसेंटेज थी वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है और आपकी कॉपी का जो साइज है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी परसेंटेज को फिल कर देना है, इंग्लिश में आपकी परसेंटेज कितनी थी, मैथमेटिक्स में कितनी थी और फिजिक्स में कितनी थी। उसके बाद में अगर आपके पास में अदर कोई मार्कशीट है और उसको आप अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें अपनी एडिशनल डिटेल को फिल करना होगा, तो दोस्तों अगर आप एनसीसी के कैडेट है तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आपके फादर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है या फिर इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे हैं, तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर आपके फादर इंडियन आर्मी में है तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि क्या आप इंडियन आर्मी से डिस्चार्ज है, अगर आप इंडियन आर्मी से डिस्चार्ज है यानी आप इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी बॉडी पर कोई निशान है, कोई मार्क है। अगर आपकी बॉडी पर कोई मार्क है तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देनी होगी। अगर आपकी बॉडी पर कोई भी मार्क नहीं है तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है नो एनी मार्क। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट को फिल करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट का जो साइज है उसको फिल करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कमर का साइज फिल करना है, यहाँ पे आपको अपनी शूज का साइज फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल को फिल करना है, तो कम्युनिकेशन डिटेल को फिल करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको अपने हाउस नंबर को फिल करना है या फिर जो भी आपके स्ट्रीट का नेम है या फिर जो कॉलोनी का नेम है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपकी जो भी तहसील है उसका नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने विलेज या फिर टाउन का जो भी नेम है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट ऑफिस का नेम फिल कर देना है, यहाँ पे आपको अपने जो आधार नंबर है उसको आपको फिल कर देना है। अगर आप जम्मू कश्मीर से है या फिर आप असम से है या मेघालय से है तो यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर को फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे तो जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पे हमारी जो फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है जो हम अपलोड करने वाले हैं उस फाइल का साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों फोटो को अपलोड करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो है वो अप्रैल माह से पुराना नहीं होना चाहिए, आपका जो फोटो है वो अप्रैल के बाद का होना चाहिए और आपका जो फोटो है उस पे आपका नाम और जिस दिन आपने उसको खिंचवाया था वो डेट उस पर मेंशन होना जरूरी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन तीनों फाइल को अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दी है यहाँ पे आपको कंसेंट देनी है और यहाँ पे आपको अपने जो पैलेस है जहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी भूल गया कि आपको यहाँ पे जो थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं वो आपको लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका ही इंप्रेशन को आपको अपलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो और सिग्नेचर डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अगले स्टेप में अपनी सिटी को सिलेक्ट करना है जहाँ पर भी आप इसका एग्जाम देना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फेज वन के लिए अपनी प्रेफरेंस देनी है और यहाँ से आप 5 प्रेफरेंस को दे सकते हैं, यानी आप किसी 5 शहर को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद आपको सेव सिटी प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आपको फेज 2 के लिए अपनी प्रेफरेंस देनी है और यहाँ से आप 7 शहरों को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप 7 प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको 7 शहर को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप फेज 2 के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो प्रेफरेंसेस थी वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब दोस्तों प्रेफरेंस को सेव करने के बाद यहाँ पे आपको होम बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप होम बटन पे क्लिक करोगे तो वापस आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, यानी आपको यहाँ पे अपनी जो फीस है उसको पे करना है। तो फीस पे करने के लिए सिंपली आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपको एक बार दिखाया
बताया जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आपको यहाँ पे कंसेंट देनी है और आपको कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पेमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए दो पेमेंट गेटवे दिए जाएंगे, आपको किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको पे का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको 250 रुपये की जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। पे करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फीस को पे कर देते हैं तो आपके पास में एक लास्ट स्टेप बचता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, यानी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपने फिल किया है उसका एक प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रख लेना है या फिर आपको अपने पीसी में सेव कर लेना है। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, तो इस पे क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को प्रिंट करके रख लेना है या फिर आपको फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एयरफोर्स अग्निवीर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट करके पूछ लेना, एक्साइटमेंट में कोई बड़ी गलती मत कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना, फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना।